प्रदीप शर्मा अपनी सहयोगी गोल्डी कौर के साथ पहुंचे हैं सिमरा बिरान के पास पड़ने वाले गांव मोहलिया बिरान में। यहां पर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 80% यूपी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही थी। आज उसी के चलते उसी की कड़ी में हम आज पहुंच रहे हैं मोहलिया बिरान में। सुनते हैं वहां पर रोडों का हाल। गुजरी 25 फरवरी को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव सिमरा बिरान में बनी गौशाला की टिन शेड का फीता काट रहे थे, उसी दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के लगभग 80% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80% सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात लोगों ने सुनी तो जनता फूली नहीं समाई। मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने के बाद एवीएन टीम ने ज़मीनी हकीकत को तलाशना शुरू कर दिया और पहुँच गए विकासखंड खुटार के गाँव मोहलिया बिरान में। यहाँ पर ना तो पक्की सड़क थी और ना ही पानी के निकास के लिए कोई नाली ही बनाई गई थी। जब हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ संदीप शर्मा ने जनता से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनसे पूछा कि आपको सरकार द्वारा चलाई गई किसी योजना का लाभ मिला या नहीं, तो लोगों ने यह कह डाला कि हमें ना तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिला है और ना ही हमारे गाँव में कभी कोई जनप्रतिनिधि देखने आता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि आया भी तो वो वोट मांगने के समय आया और उसके बाद हमारे गाँव की दुर्दशा जैसे पहले थी वैसे ही आज है। उनका कहना था कि उनका गरीबी रेखा लिस्ट में नाम तो है लेकिन ना तो उन्हें कोई आवास है और ना ही गरीबी रेखा के चलते किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों परेशान है मोहलिया बिरान के लोग। गोल्डी कौर और स्टेट ब्यूरो चीफ संदीप शर्मा की खास पड़ताल। अच्छा जी, ये बताइए कि आप इस गांव इस दशा को बताने के लिए प्रधान के पास गए या नहीं? देखते हैं अभी तक कुछ किया है? कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका प्रधान जी का? दलबीर। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि दलबीर सिंह जो प्रधान है यहाँ पर, उन्होंने कई बार देखा लेकिन इस बात का कोई भी हल नहीं मिल पा रहा है। भविष्य खड़ा है। यहाँ हम बिटिया से बात करेंगे। बिटिया, आपका कौन सा नाम लगता है? बेटा एक बात बताओ, आपके का सामना करने पड़ेगा तो मेरा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगा मैं, उनके लिए एक संदेश है कि मंच पर भाषण देने से ज़्यादा अगर वह ज़मीनी हकीकत देखें तो बेहतर होगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, एक महिला ने कहा है कि वह कई वर्षों से यहाँ पर रह रही है लेकिन उसे प्रधानमंत्री योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला। हालाँकि झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर करने वाले लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों तक ही सीमित हैं। यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, भाई साहब से जानकारी लेंगे। भाई साहब, जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? ये बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, इसे किसी भी अधिकारी ने कोई योजना का लाभ दिया? कुछ नहीं मिला लोगों। आवास आ रहे हैं, गरीबी रेखा जो सबसे निचले स्तर पर गरीबी रेखा में जो आवास आ रहे हैं, आपको लगता है कि इन्हें मिला है? मैं सेक्रेटरी के पास 2-3 बार गया लोगों को लेके, मगर सेक्रेटरी कहता बनवाता हूँ, इन लोगों ने सब काम करवाता मगर सेक्रेटरी उसने नहीं सुनी। क्या ब्लॉक के सेक्रेटरी नाम जानते हैं? हाँ, उनका नाम प्रदीप है, प्रदीप कुमार। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदीप कुमार सचिव ने इनकी एक नहीं सुनी, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार और गुंडा राज हम समाप्त करके रहेंगे, लेकिन इस तरीके से अगर गरीबों के साथ उनका हक नहीं मिल रहा तो ऐसे ना तो भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा और ना ही गुंडा राज।